की शुरुआत में बक नाम के कुत्ते को दिखाते हैं। यहाँ आओ बक, ये बन ले लो। ऐसा कहकर एक आदमी उसे बुलाता है और उसे छोटा पीस देता है, पर बक बड़ा पीस खाकर चला जाता है। रास्ते में दो आदमी बड़ा आइस बार लेके जा रहे होते हैं। बक पानी के बदले आइस बार को चाटकर मजे से चला जाता है और पीछे से एक लड़की उसे न्यूज़पेपर लेने को कहती है। ये बक की ओनर की हाउसकीपर है। बक न्यूज़पेपर वाले से उस दिन का न्यूज़पेपर ले लेता है। रास्ते में एक पोस्टमैन साइकिल पर जा रहा होता है, उसे देखते ही न्यूज़पेपर वहीं छोड़कर बक उसका पीछा करने लगता है। पीछे से एक आदमी बक को देख रहा होता है और न्यूज़पेपर उठाकर पढ़ता है। उसमें छपा होता है कि इस ब्रीड का कुत्ता दिलाने वाले को मोटी रकम दी जाएगी। उसे पढ़कर वो आदमी बक को देखता है। बक पोस्टमैन का पीछा नहीं छोड़ता और कुछ दूर पर बेचारा पोस्टमैन गिर जाता है। वो हाउसकीपर से कहता है कि कुत्ता संभालो मैडम, मुझे मरवाओगी क्या। वो लड़की बक से कहती है, बक तुम घर जाओ और सबको जगाओ, गुड बॉय। बक घर में सबको जगाने के बजाय उन्हें टॉर्चर कर रहा होता है। उन बेचारों के बेड पर कूद कूद कर उन्हें हवा में उड़ा रहा होता है। वो इतनी तेज भागता है कि किचन में रखे कप्स भी वाइब्रेट करने लगते हैं। वहाँ के कुक्स भी बक की आवाज सुनते ही सारा खाना छुपा देते हैं। और अब बक तेजी से किचन में आता है तो वहाँ खाने की कोई चीज नहीं दिखाई देती। बेचारा बक बेबस होकर नौकरों को देखने लगता है, लेकिन वे बक को कुछ नहीं देते और उसे बाहर भगा देते हैं। फिर बक को उसका ओनर घर के बाहर लेके जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। पर बक खिड़की से अंदर आने के लिए फिर से कूद रहा होता है, पर ओनर कहता है कि आज के दिन तुम बाहर रहोगे और तुम खुद ही डिसिप्लिन सीख जाओगे। इतने में बक एक खरगोश को देखता है और उसके बिल तक उसका पीछा करता है। फिर वो अपना सर बिल में घुसा देता है। जब वो सर बाहर निकालता है तो देखता है कि वहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तब पता चलता है कि घर में मेहमान आए हैं और उन्हीं के लिए शानदार दावत तैयार हो रही है। अब लॉन में सारा खाना सेट कर दिया जाता है, जिसे देखकर बक खुशी से झूम उठता है। तभी सारे गेस्ट ग्रुप फोटो खिंचवा रहे होते हैं। तभी क्लिक करते वक्त मुंह में एक लेग पीस लिए बक बीच में आकर फोटो के लिए पोस्ट करता है और सभी चौंक कर बक को देखते हैं। फिर टेबल को देखते हैं तो लगता है जैसे खाने पर बवंडर गुजरा हो। ओनर गुस्से में बक के मुंह से लेग पीस खींचता है, पर उसके हाथ में सिर्फ हड्डी आती है। स्मार्ट बॉय बक ने मांस ऑलरेडी खा लिया होता है। उस रात ओनर उसे डांटता है कि एक दिन भी तुम डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर सकते क्या, आज सबके सामने तुमने मेरी नाक ही कटवा दी। ये कहकर वो दरवाजा बंद कर लेता है और बक को बाहर सोने को कहता है। सुबह होने पर एक आदमी वहां आकर बक को बुलाता है। बक सोचता है ये नया कैरेक्टर कौन है भाई। वो उस आदमी के पास जाता है। ये वही आदमी है जिसने पहले दिन न्यूज़पेपर का ऐड पढ़ा था। बक उसकी गाड़ी में बहुत सारा खाना देखता है और उसके अंदर चढ़ जाता है। तब अचानक कुछ लोग दरवाजा बंद कर देते हैं। अब वे बक को ट्रेन में कहीं लेके जा रहे होते हैं। बेचारा बक कन्फ्यूज हो जाता है कि ये लोग उसे कहां लेके जाने वाले हैं। और बॉक्स के छेद से वो बाहर देख रहा होता है। एक जगह पर उस बॉक्स को एक आदमी तोड़ता है। बक बाकी बॉक्स को खुद ही तोड़कर बाहर आ जाता है। वो आदमी डांटता है कि ओवर एक्टिंग मत कर, सिर्फ मेरे ऑर्डर्स फॉलो कर। बक उस पर झपड़ता है पर वो छड़ी से उसे मारता है। अब बक किसी तरह संभल कर खड़ा हो जाता है। वो आदमी कहता है कि मेरी बात मानोगे तो नहीं मारूंगा, समझे। और डर के मारे बेचारा बक चुपचाप हो जाता है। फिर वो बक को एक खम्भे से बांध देता है। बक रस्सी तोड़ता है और सबको धक्का देकर ऊपर भागता है। ऊपर जाकर पता चलता है कि वो एक शिप में है और वो शिप अलास्का जा रहा है। अब वे बक को एक बूढ़े के हवाले करते हैं। बक को वहाँ के लोगों के पहनावा थोड़ा अजीब सा लगता है। चलते चलते वो पहली बार बर्फ पर पैर रखता है और उस मोमेंट को बहुत ही इंजॉय कर रहा होता है। इतने में बर्फ गिरने लगता है और उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं होता। कुछ दूर पर वो जॉन नाम के एक बूढ़े से टकराता है। जॉन उसे देखकर चला जाता है पर उसका माउथ ऑर्गन गिर जाता है। बक उसे उठाकर जॉन का पीछा करता है। अब जॉन शिप पर चढ़ जाता है और मुड़कर देखता है कि बक के मुंह में उसका माउथ ऑर्गन है। वो अपना माउथ ऑर्गन ले लेता है। तभी एक आदमी बक के गले में रस्सी डालकर लेके चला जाता है। बक को किसी पैर शॉप में छोड़कर वो चला जाता है। तब पेरोल्ट नाम का एक आदमी आकर बक को खरीद लेता है। फिर वो उसे लेकर एक बर्फीली जगह पे लेके जाता है जहाँ लोग भारी बोझ लेकर एक रस्से की मदद से पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं। पेरोल्ट बक से कहता है तुम आगे जाना चाहते हो तो जा सकते हो। अब बक खुश होकर आगे बढ़ता है। ऊपर जाकर पता चलता है कि उस बर्फीले पहाड़ पर एक गांव बसा हुआ है। अब पेरोल्ट की असिस्टेंट फ्रेंकोइस को दिखाते हैं। वो पेरोल्ट से पूछती है मैंने दो कुत्ते मांगे थे और आप एक ही लेके आए। पेरोल्ट कहता है कि ये एक ही दो के बराबर है। फ्रेंकोइस बक को देखती है और उसे दूसरे कुत्तों से इंट्रोड्यूस करवाती है, जिनमें से एक हस्की ब्रेड का कुत्ता है। उसे देखकर कहती है कि यह है स्पिट्स और आज यही तुम्हारा बॉस है। फिर वे कुत्तों को एक गाड़ी से बांध देते हैं और कुत्ते तेज दौड़ने लगते हैं। बक काम पर नया होने के कारण पहले डगमगाता है और सारे कुत्ते एक और भाग रहे होते हैं और बक किसी दूसरी डायरेक्शन में भाग रहा होता है। कुछ दूर पर गाड़ी उलटकर गिर जाती है। अगले दिन फिर से उसी तरह कुत्ते बांधे जाते हैं और वे कुछ पार्सल डिलीवर करते हैं। रात को सारे कुत्ते फिश खा रहे होते हैं। तब स्पिट्स बिल्कुल एक बॉस की तरह दूसरे कुत्ते का फिश छीन कर खाने लगता है। ये देखकर बक उस बेचारे को अपना फिश दे देता है।
उसकी रहमदिली देखकर बाकी कुत्तों के दिल में बिग बी का गाना तेरे जैसा यार कहां ऐसा याराना ये प्ले हो रहा होता है। अब अगले दिन वहां का तालाब फ्रीज हो जाता है, उसमें छोटा गड्ढा बनाकर स्पिट्स अकेला पानी पीता है और दूसरे कुत्तों को पीने नहीं देता। तभी बग पास एक बड़ा गड्ढा खोदकर दूसरे कुत्तों को पानी के लिए इंतजाम करवाता है। अब पेरोल्ट और फ्रैंकोइस उस फ्रोजन लेक पर चल रहे होते हैं, अचानक बर्फ मेल्ट होता है और फ्रैंकोइस पानी में गिर जाती है। बग तुरंत दौड़कर पानी में कूद जाता है और फ्रैंकोइस को बचा लेता है, लेकिन खुद पानी में डूबने लगता है। बग चिल्लाकर पेरोल्ट चिल्लाने लगता है और उसे हाथ देता है, पर वो नजर नहीं आता। पेरोल्ट मायूस होकर बैठ जाता है। तभी उसे कोई एक छड़ी पकड़ाता है, वो उस छड़ी से बर्फ को तोड़ते हुए मुड़कर देखता है तो वहाँ बग खड़ा होता है। पेरोल्ट खुशी से उसे गले लगा लेता है। स्पिट्स ये सब दूर से देख रहा होता है और उसे बग के नाम से अब चिढ़ होने लगती है। अगले सीन में बग एक रैबिट को पकड़ता है और उसे बिना कुछ किए छोड़ देता है। अब स्पिट्स उस रैबिट को चेस करके उसे मार डालता है। फिर वो आकर बग को देखता है, उसकी आंखों में साफ नजर आता है कि यहाँ एक ही गुंडा है और वो गुंडा मैं हूँ। वो कहता है पहले तुम कुत्तों के फेवरेट बने और अब ओनर के फेवरेट भी बन गए, मेरी जगह लेना चाहते हो तो मुझसे मुकाबला करो। फिर वो भागकर बग को अटैक करके उसको जमीन पर पटक देता है। फिर दूसरे कुत्तों से उसकी नजरें कहते हैं देखा हमेशा मैं ही बॉस रहूंगा। बाकी कुत्ते डर के मारे फ्रीज हो जाते हैं। अब बग उठकर स्पिट्स को घूरता है, स्पिट्स फिर उसे अटैक करने जाता है, पर इस बार बग उसे ऊपर उठाता है और फट से जमीन पर पटक देता है। स्पिट्स डर जाता है और इस तरह बग उनका नया डॉन बन जाता है। अगले दिन पेरोल्ट गाड़ी तैयार करके स्पिट्स को ढूंढता है, पर वो कहीं नजर नहीं आता। पेरोल्ट दूसरे कुत्ते को उसकी जगह पर बांधता है, पर वो कुत्ता नखरे करने लगता है। अब पेरोल्ट परेशान होकर चला जाता है। तभी बग उस जगह पर आकर खड़ा होता है। पेरोल्ट उसे शाबाशी देकर बेल्ट पहनाता है और गेट सेट गो कहते ही बग और उसके साथ ही तेज भागने लगते हैं। वहां कई रेंडर्स दौड़ रहे होते हैं। रेंडर्स के बीच बग की टीम अपने रथ को खींच रही होती है। इस सीन को शानदार नहीं तो और क्या कहेंगे। तभी पहाड़ से ढेर सारा बर्फ सरक कर तेजी से नीचे आ रहा होता है। भागते भागते बग कुछ प्लान कर रहा होता है। पेरोल्ट चिल्लाता है, पर बग सीधे पहाड़ की ओर दौड़ता है। पहाड़ के नीचे गुफा होती है और बग की टीम तेजी से उस गुफा को पार कर लेती है और वे दूसरी तरफ निकल जाते हैं। इस तरह हमारा समझदार बग सबको बचा लेता है। फिर वे अपने डेस्टिनेशन की ओर दौड़ रहे होते हैं, पर वहां लोगों को देखकर बग सडन ब्रेक मारता है। उसे पता नहीं होता कि अगले सेकंड सारे कुत्ते उसके ऊपर क्रश करने वाले हैं। ये देखकर तो हमें भी हंसी आ जाती है। तभी पेरोल्ट बग को बताता है कि हम सिर्फ लेटर्स डिलीवर नहीं करते बल्कि उनमें कई लोगों का दुख सुख प्यार जैसे कई इमोशन का पैकेज डिलीवर करते हैं और ये हमारा काम नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। अगले दिन वहाँ जॉन को देखकर बग फिर अचानक रुक जाता है और उसके साथी भी रुकते हैं, पर झटके की वजह से पेरोल्ट गिर जाता है और पूछता है यार बग तू हमेशा सडन ब्रेक क्यों मारता है। इतने में जॉन एक लेटर देकर कहता है सॉरी मैं लेट पहुंचा, पर यह खत मेरे बीवी को दे दीजिए। बग वो खत पेरोल्ट को दे देता है और अब गाड़ी आगे बढ़ती है। एक दिन पेरोल्ट को खत मिलता है कि ये डिलीवरी सर्विस बंद हो चुकी है और आगे से तुम्हें काम नहीं दिया जाएगा। ये बात वो बग के साथ शेयर करता है और कहता है कि अब यहाँ टेलीग्राम नाम की कोई सर्विस आने वाली है और आगे से तुम्हें ही अपने साथियों का ध्यान रखना होगा। ये कहकर पेरोल्ट और फ्रैंकोइस उदास होकर वहां से चले जाते हैं। बग और उसके साथी भी उदास हो जाते हैं। फिर वहां हल नाम का आदमी आकर सबको अपनी गाड़ी से बांध देता है और गाड़ी में बहुत भारी चीजें रख लेता है। बग की टीम से बिल्कुल भी खींचा नहीं जाता। हल बग को छड़ी से मारने वाला होता है कि इतने में जॉन आकर वहाँ खड़ा होता है और बग को सहलाता है। फिर वो देखता है कि गाड़ी गड्ढे में फंसी हुई है और कहता है ये देखे बिना ही तुम बेचारे को मारने चले थे। ये कहकर वो गाड़ी को रिलीज करता है। फिर बग की टीम गाड़ी को खींच कर लेके जाती है। कुछ दूर पर वे पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं, पर बग की टीम उतना भारी वजन नहीं उठा पाती। सभी कुत्ते थक जाते हैं और बेचारे सिकुड़ कर नीचे गिर जाते हैं। तब हल उन्हें बेरहमी से मारता है पर उनसे उठा ही नहीं जाता। फिर वो बग को शूट करने वाला होता है। इतने में जॉन वहाँ पहुँच जाता है और गुस्से में उसे धक्का दे देता है। फिर वो गन दिखाकर उसे डराता है। हल कहता है ठीक है तुम बग को ले जाओ, पर बाकी कुत्तों को हाथ मत लगाना। तब जॉन कहता है बर्फ पिघलने लगा है, अब तुम उस तरफ जाओगे तो ना तो तुम जिंदा बचोगे और ना ही ये कुत्ते। पर वो आदमी जिद करता है और बाकी कुत्तों को साथ लेकर चला जाता है। जॉन बग को अपने घर लेके जाता है और बग वहीं आराम करता है। दूसरे दिन वो जरा ठीक हो जाता है और देखता है कि सामने का बर्फ पिघलकर अब नदी बन गई होती है। तब जॉन कहता है बग मुझे डर है कि उस बेवकूफ आदमी के कारण तुम्हारे साथी इस नदी में बह गए होंगे। ये सुनकर बग बड़ा ही मायूस हो जाता है। शाम को जॉन एक बार में बैठकर पी रहा होता है। बग खिड़की से उसे देखता है, तभी हल वहां आता है और जॉन को मारने लगता है।
बक अंदर जाकर हल को अटैक करता है पर जॉन उसे रोक लेता है। फिर दोनों घर लौट आते हैं। अब बक जॉन की शराब की बोतल बर्फ के अंदर छुपाकर उसके ऊपर बैठ जाता है। तब जॉन कहता है, बक वो बोतल मुझे दे दो, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। वो बक को हटाने की कोशिश करता है पर बक वहीं अड़ा रहता है। जॉन कहता है, तुम तो वाकई स्ट्रांग हो, पर यार मेरे बेटे की मौत के बाद मेरी वाइफ और मैं अलग हो गए थे। इतने साल मैं यहाँ अकेला रहा और अब तुम ही मेरे साथ ही हो। उसकी बात सुनकर बक उससे चिपक जाता है। अगले दिन जॉन एक मैप दिखाकर कहता है कि मेरा बेटा ऐसी जगह जाना चाहता था जो किसी मैप में नहीं है, क्या तुम ऐसी एडवेंचर ट्रिप पर मेरे साथ चलोगे। फिर दिखाते हैं कि जॉन और बक एक छोटी बोट पर बैठकर नदी में जा रहे होते हैं और एक खूबसूरत एरियल शॉट में पानी के अंदर की मछलियां साफ दिखाई देती हैं। दोनों दिन भर बोट में ट्रेवल करते हैं और रात को एक जगह रुककर आराम करते हैं। इस तरह उनका सफर चल रहा होता है। यहाँ हल जॉन के घर पहुँचता है। जॉन तो वहाँ होता नहीं पर उसका मैप हल के हाथ में लग जाता है जिसमें उसने एक जगह को मार किया होता है। हल सोचता है कि जॉन किसी खजाने की तलाश में वहाँ गया होगा और खुद भी जाने का फैसला करता है। अपने सफर के अंत में जॉन और बक अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां का खूबसूरत सनसेट देखकर वे पुराने घर में पहुंचते हैं जो धूल मिट्टी से भरा होता है। उस घर को साफ करके जॉन और बक वहां रहने लगते हैं। अगले दिन जॉन नदी में नहा रहा होता है तो उसे सोने का टुकड़ा मिलता है। वो बक को भी सोना ढूंढने को कहता है। अब बक ढूंढकर एक पत्थर निकाल कर लाता है। जॉन कहता है, उतना बड़ा नहीं बक, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हो तो मुझे दिखाओ। बक पत्थर फेंक देता है और अब की बार सोने का बड़ा सा टुकड़ा निकलता है, पर वो सोचता है कि जॉन को तो छोटा पत्थर चाहिए, इसलिए वो सोने को फिर से पानी में फेंक देता है। जॉन कहता है, मेरे बेटे ने जो कहानियां पढ़ी थी वो शायद सच्ची है, इस जगह पर सोना ही सोना है। तभी बक वहां भागती हुई सफेद भेड़िनी का पीछा करता है। इतने में एक ग्रिजली बियर आकर बक को डराने लगता है और अब बक डरकर जंगल की ओर भागता है। अब वो सफेद भेड़िनी आकर बक के पैर पर मारकर भाग जाती है। बक अपना पैर उस भेड़िनी के फुटप्रिंट पर रखता है तो देखता है कि दोनों एकदम मैच होते हैं। अब बक को लगता है कि अरे ये तो मेरी नस्ल की लगती है। अगली सुबह बक नदी के किनारे लेटा होता है। भेड़ियों का एक झुंड वहां किसी सुअर का शिकार कर रहा होता है। उनमें से एक भेड़िया नदी में गिर जाता है और पानी के साथ खींचा चला जाता है। कुछ दूर पर एक पेड़ गिरा हुआ होता है और भेड़िया उसे पकड़ लेते हैं। इतने में बक जल्दी से जाकर उस पेड़ को जमीन की तरफ मोड़कर उसे बचा लेता है और अब सारे भेड़िये बक के फ्रेंड्स बन जाते हैं। वे बक को शिकार करना सिखाते हैं। बक हर चीज में माहिर हो जाता है। वो दूसरे जानवरों, पक्षियों और मछलियों का भी शिकार करता है, लेकिन वो अपना हर शिकार जॉन को लाकर देता है। जॉन हंसकर कहता है कि यार तुम्हारे रंग ढंग से तो लगता है कि तुम मुझे आदि मानव बना दोगे। जॉन देखता है कि बक उस सफेद भेड़नी के साथ घुल मिल गया है और उसने अपना जीवन साथी ढूंढ लिया है। उस रात वो बक से कहता है कि ये दुनिया बहुत ही बुरी है, कल क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अपने बेटे को खो दूंगा, पर आज उसके बिना मैं अकेला जी रहा हूँ और अब तो मैं बूढ़ा भी हो चुका हूँ। तुम अपने जीवन साथी के साथ खुश रहना, इंसानों के झंझट में मत पड़ना। अब मेरा अंत आ गया है और मैं अपनी आखिरी सांस यहीं लूंगा। ये कहकर वो घर के अंदर चला जाता है। बक जंगल में जाकर भेड़ियों के साथ रहने लगता है। अब दिखाते हैं कि वो पुराना घर जल रहा होता है। उसे देखकर बक जंगल से निकलकर घर की ओर भागता है। इतने में हल जॉन को शूट कर देता है और उससे सोने का टुकड़ा मांगता है। जॉन उसे सोना दे देता है। सोना लेने के बाद हल उसे फिर से शूट करने जाता है कि इतने में बक उस पर अटैक करता है। हल उसे छड़ी दिखाता है लेकिन बक छड़ी को मुंह में पकड़ लेता है और छड़ी के साथ ही हल को जलते हुए घर के अंदर खींच ले जाता है। उसे वहीं छोड़कर वो जॉन के पास आता है। जॉन की आंखें भर आती हैं और वो कहता है, बक तुम मेरे लिए वापस आए, मेरा आखिरी समय आ गया है, तुम जाओ और अपने साथियों के साथ खुश रहो। ये कहकर वो बेचारा वहीं दम तोड़ देता है। अब बक वापस जंगल में अपने साथियों के साथ चला जाता है। फिर दिखाते हैं कि बक और सफेद भेड़नी के बच्चे हो जाते हैं। तभी एक दिन वही ग्रिजली बियर आकर बक को डराने लगता है। अब बक निडर होकर उसकी ओर जाता है तो वो ग्रिजली बियर चुपचाप रास्ता छोड़ देता है। अब बक जले हुए उस घर को देखता है और उसे उन सब की याद आती है जिन्होंने उसे पाला पोसा था और मुश्किल समय में उसका साथ दिया था। फिर ये सोचकर उसका चेहरा खिल जाता है कि कई मुश्किलों को पार करने के बाद अब वो एक झुंड का लीडर बन गया है। और बक की इसी सफलता के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बक की लाइफ की तरह हमारी लाइफ में भी कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, रास्ते बदलेंगे, लेकिन हम अपना लक्ष्य जरूर पाएंगे। और इसी विश्वास के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, पर जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।